हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आज आपके लिए मैं आचार संहिता 2019 के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आचार संहिता हट चुकी है और अब आएगा सभी भर्तियों का परिणाम, क्योंकि आचार संहिता की वजह से सभी भर्तियां राजस्थान में अटकी हुई थी और राज्यों में भी अटकी हुई थी, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल न्यूज है कि आज से आपकी आचार संहिता हटा दी गई है, जिसको जानकर के स्टूडेंटों में बहुत ही खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि अब उनका परिणाम आ जाएगा सभी भर्तियों का, इसी के कारण अटका हुआ था इतने दिनों से। तो चलते हैं, पूरी आपको जानकारी बता देंगे। तो अभी देख लो आप, ये 26 मई 2019 की ऑफिशियल जानकारी देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां से पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो पूरी जानकारी दे रखी है, यहां पर पूरी जानकारी आपको मिल रही है। तो आपका हटा दी गई है, तो देख सकते हो जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा 2019 एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो देख सकते हैं इन सभी की हटा दी गई है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पूरी जानकारी आपको देखने को मिल गई है यहाँ पर, जो आपने साइन भी देख रहे होंगे, अशोक साइन भी कर रखे हैं आप देख सकते हो सिक्योरिटी द्वारा। तो आप पूरी जानकारी देख सकते हो यहाँ, पूरी जानकारी आपको और भी जानकारी आपको ट्विटर के माध्यम से हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया था जी राजस्थान न्यूज़ चैनल द्वारा, तो जयपुर आचार संहिता हटाई गई। तो देख सकते हो भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश, सभी कैंडिडेट, तो देख सकते हो सभी कैंडिडेट मंत्री द्वारा यहाँ पर पूरी जानकारी मिल, तो आपको यहाँ पूरी देखने को मिल गई है पूरी जानकारी। देख सकते हो भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, सभी कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश, अब सरकार कर सकती है कामकाज। तो अब सरकार पूरा कामकाज कर सकती है। तो देख सकते हो जयपुर लोकसभा चुनाव आचार संहिता हटाई गई, पूरी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। दूसरा एक और ट्वीट था जयपुर आचार संहिता हटाई गई, तो ये पूरी दो बार ट्वीट किया गया था दोस्तों। तो ये जो आपको मैंने बता दिया है बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है। तो अब आपका पूरा रिजल्ट सभी का आ जाएगा, जैसे जेवीएनएल का, एलडीसी का, और जितने भी सेकंड ग्रेड हेडमास्टर और जितने भी आरएसएस, सभी की एग्ज़ाम की भर्तियाँ रुकी हुई थी आचार संहिता के रिजल्ट को लेकर के। तो अब आपा के आचार संहिता हट चुकी है, अब कोई परिणाम में कोई अड़चन नहीं आने वाली, बस अब एक कारण बचा हुआ है जो है आरक्षण। इसको लेकर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि एमबीसी वालों को आरक्षण देने से, तो वो एक बड़ा मुद्दा रह गया है केवल। अब इससे कोई बड़ा आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली आचार संहिता को लेकर के। तो धन्यवाद दोस्तों, कोई अगली अपडेट आती है तो आपको जल्दी हम अवगत करा देंगे। धन्यवाद।